इंडियन हर्बल हेरिटेज उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। हेलो एवरीवन, जिवेना हर्बल्स का अंजीर एलोवेरा पैक, हमारे काफ़ी क्लाइंट्स इस पैक के फ़ैन हैं और उनकी शेल्फ में ये एक नहीं होता, एक साथ दो दो तीन तीन होते हैं क्योंकि इसके ख़त्म होने को वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक बैकअप ज़रूर बना कर रखते हैं। और ये ऑल पर्पज़ कह सकते हैं, मल्टीपर्पज़ कह सकते हैं इसे। अंजीर एलोवेरा में विटामिन ई है, वीट जर्म ऑयल है और इसके अलावा कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो पूरी तरह से त्वचा को निखारने का काम करती हैं। किसी भी प्रकार के ज़िद्दी दाग हों वो इसके रेगुलर यूज़ से ख़त्म हो जाते हैं। स्किन नॉर्मल टू ड्राई, ड्राई टू नॉर्मल एंड नॉर्मल स्किन के लिए है ये। और ख़ासकर ये बनाया गया था, ये एक नॉन ड्राइंग पैक है, ये एंटी एजिंग पैक के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसके अनगिनत फ़ायदे समय पर जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे लोगों के फीडबैक से समझ में आने लगे कि अंडर आई डार्क सर्कल्स ख़त्म हो गए हमारे इससे और लिप्स की डार्कनेस ख़त्म हो गई, डार्क आर्मपिट्स, डबल कलरेशन ऑफ आर्म्स और नकल्स जितने भी हैं जो डार्क रहते हैं लोगों के वो इससे ख़त्म होने लग गए। तो ये लोगों की बहुत अच्छी पसंद के रूप में ये पैक आ गया। और इसे लगाने का तरीका है कि 15 मिनट्स के लिए क्लेंजिंग के बाद जो भी क्लेंजर रिकमेंड किया जाए उसे प्रॉपर वे में यूज़ करने के बाद इसे 15 मिनट्स के लिए कंप्लीट फेस एंड नेक पे अप्लाई करना है, इंक्लूडिंग योर लिप्स एंड अंडर आइज एरियाज। ये लगाकर 15 टू 20 मिनट्स के बाद आपको वॉश करना है और वॉश करते ही डैम्प स्किन पर आपको जो मॉइस्चराइज़र रिकमेंड किया जाए, रोज़ आमंड मॉइस्चराइज़र या लेवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र, वो अप्लाई करना है। अगर आपको कंप्लीट बॉडी पे अंजीर एलोवेरा पैक लगाना है तो इसे हमारे आहा गोल्ड ग्लो पैक, ब्लैक रोज पैक और एनीसीड पैक के साथ मिलाएं, 1:1 का रेशियो। सारे पैक्स 150 ग्राम्स के उसमें रेशियो में मिलाए जाएं और फिर आप ये बॉडी पैक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में 7 दिन लगातार यूज़ कर लें ये बॉडी पैक तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आर्म्स कि जितनी भी ड्राइनेस है, डबल कलरेशन है, एक रफ़ सरफेस जो थी वो स्मूथ में बदल गई, डबल कलरेशन दूर हो गया, कॉम्प्लेक्शन एनहांस हो गया, डार्क आर्मपिट्स, डार्क इनर थाइस सब में अंतर आ गया, वहाँ पर रफनेस नहीं रह गई है, काफ़ी स्मूथ हो गया है, बैक जो होती है नेक की वहाँ पर डार्कनेस आ जाती है वो ख़त्म हो जाती है, डार्क नकल्स जो हैं वो एकदम से रिड्यूस उनकी डार्कनेस हो जाती है, पर वहाँ पर लगा कर अच्छे से 15 मिनट के बाद मसाज करके उतारना है। वो कैसे लगाना है, कैसे उतारना है वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन अंजीर एलोवेरा पैक ऐसा पैक है कि अगर आप डेली इसे अप्लाई करते हैं तो वाकई में एंटी एजिंग इफेक्ट तो देखने के लिए मिलता है, पिगमेंटेशन कम हो जाता है, अंडर आई डार्क सर्कल्स, डार्कनेस लिप्स की एकदम ख़त्म हो जाती है। इसका लगाने का तरीका हम विस्तार से देखते हैं। अंजीर एलोवेरा पैक है नॉन ड्राइंग पैक, आँख के नीचे, ऊपर और नेक के कॉर्नर्स और यहाँ तक आप लगा सकती हैं इसे, पीछे भी, बैक ऑफ द नेक, उसी टाइम में जब आप फेस पर लगाती हैं तभी उसे इंक्लूड करके लगाइए तो इवननेस इतनी रहेगी, इतनी यहाँ की ब्यूटी फेस पर रिफ्लेक्ट करेगी और उसे कई गुना बढ़ा देगी। तो ये एक नॉन ड्राइंग पैक है इसीलिए आँख के नीचे, ऊपर और लिप्स पर भी लगेगा और इस ढंग से होगा ये पैक। अंजीर एलोवेरा पैक है और अगर आपको गाढ़ा पैक लगता है तो आप उसे इतना बस हल्का सा पतला बना सकते हैं। अब इसे 15 टू 20 मिनट्स छोड़ना है स्किन पर और उसके बाद वॉश करना है। हमें अगर उंगलियों पर लगाना है, इतने हाथों पर लगाना है, हमारे डार्क हैं इतने हैंड्स, हमारे नकल्स डार्क हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, तो हम वहाँ पर भी अंजीर एलोवेरा पैक लगा लेंगे ये इस ढंग से।
उंगलियों को बेंड करके अच्छे से लगा लिया, जिससे ये जो फोल्ड्स में जो छुपी स्किन है उस पर भी लग जाएगा, और इतना यहाँ तक का एरिया कवर कर लिया। अगर आपके आर्म्स टैंड हैं तो आप पूरा आर्म्स आर्मपिट सब लगाएंगे। उस दौरान कोई स्लीवलेस टॉप पहन लीजिए और लगा सकती हैं, और इस ढंग से ये 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है आपको, और फिर उसके बाद वॉश करना है। वॉश करते समय चेहरे का जो अंजीर पैक है वो तो नॉर्मली वॉश करेंगी, बस हल्का हल्का पानी डालकर वॉश करती जाएंगी। किसी भी पैक को वॉश करते समय स्क्रबिंग नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। और हाथों को जब वॉश करेंगी तो आप कैसे वॉश करेंगी, 15 मिनट्स हो जाने दीजिए, फिर दिखाते हैं। 20 मिनट्स हो गए हैं, और हैंड्स वॉश करने के लिए हमने पानी में हाथ डाला और इस ढंग से 10 टाइम्स ये कर लिया, 10 टाइम्स ये, फिर 10 टाइम्स ये एरिया को हमने रब कर लिया, और 10 टाइम्स आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद ये पोर्शन हमने पाम पर रब किया 10 टाइम्स, फिर ये नकल्स को हमने पूरा एजी बना लिया और इस ढंग से हमने किया 10 टाइम्स, और फिर ये 10 टाइम्स ये फ्लैट रख के पाम पर 10 टाइम्स, और ये जो उंगलियों के नीचे नेल्स के ठीक नीचे जो ब्लैक हो जाते हैं उनको हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर ये एरिया को इस ढंग से कर लिया, और फिर दूसरे हाथ में किया और फिर वॉश कर लिया। और फिर फेस के अंजीर पैक को भी हम वॉश करेंगे, पर स्क्रबिंग रबिंग कुछ नहीं करेंगे।